मायोसिटिस ऑसिफिकंस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट के फ्रैक्चर होने के बाद फ्रैक्चर वाले एरिया में एक्स्ट्रा हड्डी बनने लगती हैं, जिसे पेशेंट के जॉइंट में दिक्कत आ जाती है और उसके जॉइंट जाम हो जाते हैं। ये एक जटिल समस्या होती है। मायोसिटिस ऑसिफिकंस का इलाज संभव है, किंतु समय रहते कई लोग इसमें एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, किंतु कई बार ज्यादा प्रेशर से एक्सरसाइज करने से जॉइंट खराब होने की भी समस्या देखी गई है। सीधा करो, मुड़ो, सीधा करो, मुड़ो, करो। ठीक है। तो ये पेशेंट का वीडियो इसलिए बन रहा है कि ये दोनों पेशेंट एल्बो स्टिफनेस जाम के हैं। ये पेशेंट कहाँ से हो तुम लोग? हरियाणा। ये हरियाणा से पेशेंट है, ये जम्मू से पेशेंट है। तुम्हें कितने टाइम से परेशानी थी? 4 महीने। इनको 4 महीने से परेशानी थी। तुम्हें कब से थी? 10 महीने। इनको 10 महीने से परेशानी थी। इन दोनों की प्रॉब्लम ये थी कि ये मेरे वीडियो देखते जा रहे थे, और इनको उसमें कुछ आंसर नहीं मिल रहे थे। वो थे मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, जिनकी पूरी हड्डियों में जॉइंट के आसपास हड्डी बन जाती है। ऐसे लोग ठीक होते हैं नहीं होते, ये इनके क्वेश्चन थे। इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है कि जिन लोगों को भी मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस है, ये दुनिया के टॉप डॉक्टर को दिखा चुके थे, जिसमें इनको बताया गया था कि ये इंडोमेथासिन खा लो, इससे आपकी हड्डी आगे नहीं बनेगी। आप एक्सरसाइज करो, ज्यादा एक्सरसाइज जोर से करोगे तो दर्द बढ़ेगा और हड्डी और बनेगी, और इसका इलाज नहीं है। और हम अगर कुछ भी करेंगे तो उससे तो ऐसा रह जाएगा या ऐसा रह जाएगा, या बहुत सारा रिस्क है, जो हाथ है वो भी काम करना बंद कर जाएगा। ऐसे लोग डर जाते हैं और अपना ऑपरेशन नहीं कराते हैं, और ये सोचते हैं कि जब इन डॉक्टर ने मना कर दिया तो शायद किसी को भी दिखा लो, हर कोई यही बताएगा। तो हमें या तो इसको ऐसे ही रखकर अपना काम जीवन यापन कर लेते हैं, क्योंकि जो चल रहा है हाथ वो भी खराब हो गया तो हमारे साथ बहुत बेकार हो जाएगा। और ऐसे लोग में से ये दोनों थे। इन दोनों को जब हमने ऑपरेशन किया तो हमने इनको यही बताया कि आपको 0% रिस्क है। 0% रिस्क का मीन्स ये होता है कि जितना हाथ है उतना ही रहेगा, सीधा हो गया तो सीधा भी हो जाएगा, मुड़ेगा तो मुड़ेगा भी, और इसमें कोई भी चीज जो आपकी काम कर रही है खराब नहीं होगी। और मैं आपको कोई दवाई नहीं दूंगा, कोई एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, और 5 से 6 दिन में आपका मूवमेंट करा दूंगा, अगर होना हुआ तो, नहीं हुआ तो आपका जैसा हाथ है वैसा का वैसे ही रहेगा। ऐसे ही मैंने इनको बताने के बाद इनसे कहा था, इनसे पूछ लो आपसे मैंने क्या बताया था। और अभी इनके इनके ऑपरेशन में कितना टाइम हुआ है? 4 दिन हुए। मैंने कोई दवाई ज्यादा नहीं दी इनको, और ये खुद कोई एक्सरसाइज नहीं करा रहा, और ये देख लो इनका हाथ फुल मूवमेंट है। ठीक है, स्ट्रेट करो, मुंह तक जाओ, फुल पूरा ऐसे ऐसे कर ले, पूरा हाथ है, पूरा दवा है, जो कुछ करना है सब कुछ कर ले। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए हैं और मैं अभी आपको दिखा दूंगा इसका सब कुछ है। खुश है? ठीक है, अपना कर देगा। अरे इसका थोड़ा हाँ भाई, ऐसे से खुद कर लो ना, मस्त, बिल्कुल कोई दिक्कत होगी इनमें बोल लो, कोई बात नहीं। करेक्ट, सिर्फ 4 दिन हुए, मैं इनकी और वीडियो बना के दिखाऊंगा जो ये मेरे पास 3 हफ्ते बाद आएंगे, तब इनका हाथ ऐसे करते हुए नजर आएंगे। और सिर्फ 5 दिन की दवाई को छुट्टी के टाइम दूंगा, किसी एक्सरसाइज वाले के पास नहीं भेजूंगा। और आप इस वीडियो का वेट करना आफ्टर 3 वीक्स फ्रॉम टुडे। थैंक यू।